हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज इन कॉन्टिन्यूएशन टू आर वीडियोज़ ऑन नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हम हिंदी में नर्वस सिस्टम में वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में वील डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। स्ट्रक्चर ऑफ आई हमारा कंप्लीट हो गया है, वर्किंग और डिफेक्ट्स भी कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का। इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगले वीडियो में हम करेंगे कि वो दो काम करता है ईयर, हियरिंग और बैलेंसिंग। तो हम दोनों जो फंक्शंस है उसके, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम डिटेल में करेंगे कि ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर, सबसे पहले जो ईयर का पार्ट हमें नजर आता है वो एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं पिना। ठीक है, पिना के बाद जो पिना है वो एक ट्यूब में एंटर होता है, और ये जो ट्यूब है यहां पे, जहां एक जगह पे आके यहां पे ट्यूब में एक ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर के साथ ही साथ तीन बोन्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और ये जो हमारी लास्ट बोन है ये जॉइंट होती है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के साथ। ठीक, और जो ये जो पार्ट यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, जस्ट या ठीक है, और यहाँ पे ये एक नीचे की तरफ ट्यूब है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ईयर का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है पेपर में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे बनाते हैं ईयर। और यहाँ पे हम यहाँ पे दो कान की तरह ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। ये तो हमारा होगा ईयर का डायग्राम, विल लेबल इट नाउ। जो बाहर वाला पार्ट हमें दिखता है पिना, कार्टिलेज से बना हुआ है, वो एंटर करता है एक ट्यूब में। इस ट्यूब को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। फिर ये फ्लैप लाइक जो ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, इसको ईयर ड्रम भी आपने सुना होगा बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिम्पैनम। ठीक है, उसके बाद ये तीन बोन्स हैं। सबसे पहली बोन है मालस, बीच वाली बोन है इनकस, और लास्ट वाली बोन है स्टेप्स। ठीक है, अब ये जो तीन बोन्स हैं इनको कलेक्टिवली भी एक नाम दिया गया है। अगर तीनों इकट्ठी की बात की जाए तो इनको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है ये है कॉकलिया, और ये जो ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है ये है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, और जो ऊपर हमने कॉइल स्ट्रक्चर बनाया है ये है सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर और उसके सारे लेबलिंग्स। अब पिना आउटर ईयर, फिर ऑडिटरी कैनाल आ जाता है आउटर ईयर में, फिर उसके बाद टिम्पैनम भी हमारा आउटर ईयर में है, फिर मिडल ईयर में हमारे ये बोन्स आते हैं ईयर ऑसिकल्स। इनको सीक्वेंस में लर्न करेंगे, मालस इनकस स्टेप्स। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, नेम द बोन और ईयर ऑसिकल विच इज अटैच टू टिम्पैनम। तो आपको तब याद रहेगा कि जब आप सीक्वेंस में लर्न करोगे कि मालस इज अटैच टू टिम्पैनम। ठीक है, इसको हैमर एनविल स्टिरप भी बोलते हैं। उसके बाद विच इज द मिडल ईयर ऑसिकल इनकस, नेम द ईयर ऑसिकल विच इज अटैच टू कॉकलिया स्टेप्स। तो जब आप सीक्वेंस में लर्न करोगे आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और एडिशनल क्वेश्चन है कि जो स्टेप्स है वो कॉकलिया के साथ जो अटैच्ड होती है, मैं इसको ब्लू कलर अलग कलर से ये छोटा सा स्पॉट बना रही हूं, जो कॉकलिया के साथ स्टेप्स अटैच्ड होती है उस पॉइंट को बोलते हैं ओवल विंडो। दिस इज ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो इसको बोलते हैं कॉकलिया के साथ जो अटैच्ड, सॉरी स्टेप्स जब कॉकलिया के साथ जिस पॉइंट पे अटैच्ड होती है वो ओवल विंडो है। और ये जो हमारे नीचे की तरफ ट्यूब जा रही है, ये जो ट्यूब जाएगी यहां पे राउंड विंडो से होते हुए ये ट्यूब जो है नीचे की तरफ जाएगी, यहां पे एक इसको हम राउंड विंडो। ठीक है, तो
अब हमारे पास दो और क्वेश्चन आ गए. नेम द पॉइंट वेयर स्टेप्स इज अटैच टू कॉकलिया. आंसर इज ओवल विंडो. नेम द पॉइंट फ्रॉम वेयर स्टेशन ट्यूब स्टार्ट दैट इज राउंड विंडो. नेम द कॉइल स्पाइरल स्ट्रक्चर इन ईयर दैट इज कॉकलिया. उसके बाद नेम द ट्यूब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग. यहां पे इंपॉर्टेंट है, सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स का काम है बैलेंसिंग. हम डिटेल में करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में. और कॉकलिया का काम है हियरिंग. ईयर दो काम करता है, एक है हियरिंग का, एक बॉडी बैलेंस का. तो ईयर का जो पार्ट हियरिंग में हेल्प करता है वो कॉकलिया है, और जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है वो सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स है. ठीक है. अब आउटर ईयर टिम्पैनम तक, आउटर ईयर. ठीक है. मिडल ईयर इनकस मालस स्टेप्स. इनर ईयर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ. मिडल ईयर ये वाला जो पार्ट है, मिडल ईयर में क्या आएगा, ईयर ऑसिकल्स, ये भी बीच वाला पार्ट. ठीक है. और ये जो पार्ट है सेमी सर्क्यूलर कैनाल और कॉकलिया, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबरिंथ या फिर इनर ईयर. इनर ईयर. तो हमारा ईयर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. आउटर ईयर जिसमें पिना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम है. इनर ईयर जिसमें ईयर ऑसिकल्स है, ठीक है, और सॉरी मिडल ईयर. और इनर ईयर जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉकलिया है, जिसको हम कलेक्टिवली मेम्ब्रेनस लेबरिंथ भी बोलते हैं. एक बारी बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ. तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉकलिया आता है. तो उसका डायग्राम, ये वाला अलग डायग्राम, आपके बुक में दो डायग्राम्स है, एक पूरा ईयर का डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम, जिसमें कि इस तरह से स्टेप्स बनाई है, कॉकलिया बनाया है और फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनाए हैं और यहाँ पे ये ट्यूब बनाई है. एक ये वाला डायग्राम है, ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का डायग्राम है. ठीक है. और जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो भी बैलेंसिंग में हेल्प करती है. और ये जो ट्यूब है ईयर को कनेक्ट करती है थ्रोट के साथ. ये हम कैसे बता सकते हैं कि ईयर थ्रोट के साथ कनेक्टेड है? अगर हम ईयर ड्रॉप्स डालते हैं तो उसका टेस्ट आता है हमें मुंह में. वो कैसे आता है? क्योंकि जो ईयर ड्रॉप्स है वो ट्रिकल कर जाते हैं यूस्टेशियन ट्यूब से हमारे थ्रोट में, सो वी कैन टेस्ट देम. ठीक है. तो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर. पहला तीन पार्ट्स, आउटर, मिडल, इनर ईयर. आउटर ईयर में पिना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनम. इनर ईयर में ईयर ऑसिकल्स, सॉरी मिडल ईयर में ईयर ऑसिकल्स. इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉकलिया. ठीक है. कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल ईयर के दो मेन फंक्शंस में हेल्प करता है, बैलेंसिंग और हियरिंग. इसकी डिटेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन हम फंक्शनिंग के अंडर करेंगे. अभी हम यही स्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है. द पार्ट वेयर स्टेप्स इज कनेक्टेड टू कॉकलिया इज ओवल विंडो. ठीक है. और तीनों ही बोन्स के नाम आपको सीक्वेंस में लर्न करने हैं, मालस, इनकस एंड स्टेप्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. अगले वीडियो में वील टॉक अबाउट द फंक्शनिंग, कि ईयर जो है वो सुनने में और बैलेंस में किस तरह से हेल्प करता है. सो कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.